जिला अधिकारी ने किया विद्यालयों का औचक निरीक्षण। कई शिक्षकों पर गिरी गाज। याद हो कि डीएम ने सीतामढ़ी के 3 प्रखंडों में 11 विद्यालयों में औचक निरीक्षण किया था, जिस दौरान पाया गया कि अधिकतर शिक्षक विद्यालय में अनुपस्थित थे। वहीं लगभग सभी छात्र गायब थे। बेला नानपुर स्कूल के सभी छात्र नदारद थे। डीएम शिक्षा व्यवस्था से काफी नाखुश हुए और उन्होंने त्वरित कार्यवाही करते हुए 25 शिक्षकों सहित 12 को निलंबित का आदेश ऑन स्टाम्प जारी कर दिया तथा कई अहम और शिक्षकों पर कार्यवाही का आदेश दिया। उन्होंने कहा, पहल किया, औचक निरीक्षण किया, क्या पाया गया उसमें, क्या कमियां थी? जिले के कई प्रखंडों में आज औचक निरीक्षण मेरे द्वारा किया गया था, जिसमें देखा गया कि कई जगह स्टूडेंट नहीं थे तो कई जगह शिक्षक नहीं थे। एक ऐसा भी विद्यालय था जहाँ पर स्टूडेंट एक भी नहीं थे 2 बजे के दिन में। कई जगहों पे शिक्षक नदारद थे, ऐसे में उनके ऊपर कार्रवाई करते हुए सस्पेंशन की कार्रवाई की गई है, क्योंकि बार बार उनको चेतावनी देने के बाद भी विद्यालय से एब्सेंट पाए गए थे। ऐसे में शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए यह अभियान जो हमने चलाया है उसको आगे भी चलाएंगे और भी जो कड़ी कार्रवाई करनी होगी वो की जाएगी। अभी कितने लोगों पर कार्रवाई हुई? अभी 25 टीचरों पर कार्रवाई की गई है, साथ में ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर को भी सस्पेंशन के लिए भेजा गया है।